आप सब लोग नए चैनल पर काम करते हो लेकिन वही 10, 20, 50 व्यू आते हैं और आप पर डे वीडियो अपलोड भी करते हो तब भी आपका यार आप आज कर रहे हो तो 10, 20, 50 व्यू आ रहे हैं, आप 3 महीने बाद कर रहे हो तब भी आपका वही व्यू आ रहा है। तो यार ऐसा करना है कि आपका व्यूज़ बढ़े, आपका चैनल ग्रो हो। सो बने रहिए वीडियो में एंड तक। एंड गाइस इस वीडियो में गाइस मैं एकदम जेन्युइन ट्रिक बताऊंगा। गाइस कोई भी मैं क्लिक बेट नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो गाइस आज मैं आपको प्रूफ भी दूंगा कि कैसे आपका चैनल बूस्ट हो सकता है, कैसे आपका चैनल ग्रो हो सकता है। एंड गाइस चैनल पर नया हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। सो चलते हैं वीडियो के तरफ। सो गाइस देखिए मेरे चैनल पर पहले 40-50-60 व्यू आते थे, वो भी एक दिन में, दो दिन में। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यार अब मेरे चैनल पे 3 घंटे में 4 घंटे में 100-150-200 व्यू क्रॉस कर जाते हैं। तो ऐसा मैंने क्या किया, अपने चैनल को थोड़ा बहुत ग्रो किया। गाइस उससे तो ग्रो हुआ है ना, दो दिन में 50 व्यू आ रहा था लेकिन यहाँ पर अभी 2-3 घंटे में मेरा जेन्युइन सब्सक्राइबर हो गया है और व्यूज आना स्टार्ट हो गए हैं। एंड गाइस अगर आपके पास 100-200 पब्लिक है जो कि आपके वीडियो को हमेशा वॉच करती है तो गाइस वही 100-200 पब्लिक एक दिन आपका 100K बनाएगी। एंड गाइस एक दिन 1 मिलियन बना देगी। तो गाइस यही मेरा कहने का मतलब है। सो गाइस मैंने ऐसा क्या किया कि मैंने अपना चैनल ग्रो किया, मैंने अपने व्यूज स्टार्ट किए आना। तो गाइस देखिए मेरे चैनल पर गाइस ये वाला वीडियो वायरल हुआ था एंड वायरल है अभी भी कि माय फर्स्ट ब्लॉग वायरल कैसे करें। अभी 38K व्यूज हो गया है एंड कल तक का शायद 40K हो जाएगा, ठीक है। एंड गाइज एक और वीडियो और वायरल हो रहा है अभी, ये वाला 3K के आसपास व्यू है। एंड गाइज जब से मेरी ये वाली वीडियो वायरल हुई जिसमें कि अभी 38K व्यू है, तब से यार मेरे जो व्यूज़ है थोड़ा बहुत सब्सक्राइबर मिले हैं वो आना स्टार्ट हो गए हैं। अब आप लोग बोलोगे ईशु भाई यार ये तो आप अपना बता रहे हो, ये बताओ कि यार ग्रो कैसे करें। ओके गाइज बताता हूँ। देखो गाइज एक वीडियो वायरल होने से मुझे कुछ सब्सक्राइबर्स मिले एंड कुछ जेन्युइन सब्सक्राइबर्स मिले। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार सब्सक्राइब करते हैं, एक वीडियो देखते हैं, अच्छा लगा सब्सक्राइब कर लिया, उसके बाद वीडियो नहीं देखते हैं। लेकिन मुझे इस वीडियो से 200-300 पब्लिक, 400 पब्लिक ऐसे मिली है जो कि मेरे वीडियो को हर टाइम वॉच करती है, जो कि अभी लोग वॉच कर रहे हो। YouTube का एक बहुत ही अच्छा ये रूल है या फिर कुछ भी कह दो कि अगर आपके लास्ट वीडियो पर 100K या फिर 10K भी आता है एंड गाइज वो वीडियो आपका वायरल हो चुका है, मतलब जैसे मेरा ये वाला वीडियो वायरल है इसमें 38K व्यू गया है, ठीक है। तो जैसे ही मैं कोई अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ YouTube क्या करेगा, जो मेरा वो वीडियो मैंने अपलोड किया है नया उस वायरल वीडियो के बाद में, तो जो वो वाला वीडियो, जो ये वाला वीडियो लोग देख चुके हैं तो गाइज मेरे नए वीडियो को भी YouTube रिकमेंडेड करेगा उन तक। हाँ भाई ईशु सिंह का एक नया वीडियो आ रहा है, आप इसको भी देख सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड होता है पब्लिक पे, आप पे, कि मेरे वीडियो पे आप क्लिक कर रहे हो नहीं कर रहे हो। अगर मेरा वीडियो होगा कि हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप नहीं देखोगे, माय फर्स्ट ब्लॉग वायरल कैसे करें एंड आपने मेरा लास्ट वीडियो वैसे देखा था तो आपको इंटरेस्ट होगा तो आप मेरे वीडियो पे क्लिक कर दोगे। इसलिए गाइज अगर आपके कुछ वीडियोस पर व्यूज आ रहे हैं, जैसे कि एक वीडियो आपका वायरल हो गया उसमें 5,000-10,000 व्यू आ गए, तो आप लोग को ये ट्राई करना है कि आपको नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर फिर से बना देना है, ठीक है। ऐसा नहीं करा कि आपने बनाया कि माय फर्स्ट ब्लॉग वायरल कैसे करें और फिर से वही सेम छाप दो, ऐसा मत करो। अगला टॉपिक बना दोगे माय फर्स्ट ब्लॉग वायरल करने का राज, 3 तरीके जान लो, ऐसा कुछ डालो, मतलब कि आपको टाइटल में माय फर्स्ट ब्लॉग वायरल कैसे करें आना चाहिए, ठीक है। तो फिर आप उससे रिलेटेड कुछ भी डाल सकते हो तो पब्लिक को क्या हो जाता है कि यार ईशु भाई का एक वीडियो था यार माय फर्स्ट ब्लॉग वायरल कैसे करें, इनका फिर से बनाया, इनने कुछ कुछ फिर से कुछ बताया होगा वीडियो में अपने, तो पब्लिक को मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस हो गया, पब्लिक को मेरे ऊपर ट्रस्ट हो गया कि हाँ ईशु भाई यार टिप्स अच्छी देते हैं यार, इनने फिर से अच्छी टिप्स दे होगी, इनका वीडियो से फिर से देख लेता हूं मैं। सो ऐसे ही होता है गाइस, अगर आप उसी टॉपिक पर फिर से वीडियो बनाते हो तो पब्लिक आपका वीडियो देखती है। एंड गाइस बाकी आप वीडियो डालो यूट्यूब आपका काम खुद कर देगा। आपका अगर एक वीडियो वायरल हो चुका होगा तो गाइस आपके नेक्स्ट वीडियो को यूट्यूब खुद वहां पर रिकमेंडेड कर देगा, अब वो डिपेंड होता है आप पे कि वीडियो पे क्लिक कर रहे हो या नहीं कर रहे। एंड गाइस इसका मैं प्रूफ भी दूंगा कि जो मैं बोल रहा हूँ बात सही है या नहीं है, लेकिन उससे पहले बताऊं कि आपको अपना वीडियो कैसे वायरल कराना है यूट्यूब पर। सो गाइस आज के इस वीडियो में आपको रियलिटी बताऊंगा कि यार यूट्यूब पर वीडियो कैसे वायरल होता है। तो गाइस जितना भी कोई बड़ा क्रिएटर कह दे कि यार आप ये ट्रिक कर लो आपका वीडियो वायरल हो जाएगा, सो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो यार वो बड़ा क्रिएटर खुद एक आज 1,000,000 व्यूज लेता हर वीडियो पे। लेकिन आप जाके खुद देख लेना, आपने अगर किसी का वीडियो देखा होगा कोई ट्रिक बता रहा होगा कि यार ये कर लो आपका वीडियो 101% वायरल है, सर ऐसा अगर होता तो यार उसके वीडियो पर तुम जाके खुद देखो कि यार उसका कितना व्यूज आ रहा है। वो बता तो रहा है कि मिलियंस व्यूज जाएगा लेकिन उसका खुद 10K व्यू नहीं आ रहा है। सो ऐसा कुछ नहीं है गाइज, आप लोग को बस रेगुलर वीडियोस अपलोड करने हैं, आपको रेगुलर SEO करना है वीडियो का, आपका वीडियो का SEO अच्छा होना चाहिए, आपके वीडियो का थंबनेल अच्छा होना चाहिए। बाकी आप इतना करके आप वीडियो को, अगर आपका नया चैनल है तो वीडियो को बूस्ट दो, इतना करने के बाद आप वीडियो को भूल जाओ, बाकी आपका वीडियो जो यूट्यूब है खुद रिकमेंडेड करेगा। अगर आपके वीडियो पे दम होगा, आपका थंबनेल अच्छा होगा तो पब्लिक आपके वीडियो को खुद ना खुद टच करेगा, पब्लिक आपके थंबनेल पे खुद क्लिक करेगा एंड आपका व्यूज आना स्टार्ट हो जाएगा एंड आपका वीडियो वायरल हो जाएगा। गाइज देखिए प्रूफ कि गाइज मैंने जिस टाइटल में वीडियो बनाया था कि माय फर्स्ट ब्लॉग वायरल कैसे करें, सो गाइस मैंने कुछ उसी टाइटल्स पे, मैंने सेम नहीं किया बट थोड़ा बहुत सेम किया,
पर मैंने जितने जितने वीडियो बनाए ना मेरे सब वीडियोस पर अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? आप जानते हो ना मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में, और वीडियो को स्किप किया यहाँ पर तो स्टार्टिंग में जाकर वीडियो को जरूर देख ले मैंने क्या बताया था। सो गाइस यही था प्रूफ कि गाइस अगर आप ऐसा करते हो तो आपका भी व्यूज आएगा। एंड गाइस अगर व्यूज आना स्टार्ट हो गया, आपका रियल टाइम वॉच टाइम अच्छा हो गया, तो गाइस आपका चैनल एकदम बूस्ट कर जाएगा। आपको यही ट्रिक यूज करनी है। आज का वीडियो को पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो एंड गाइस अभी तक आपने वीडियो पर लाइक नहीं किया हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना। एंड गाइस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। एंड गाइस ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गाइस इस प्लेलिस्ट को आप जरूर वॉच करें। अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं, आपको अभी इतना ज्ञान नहीं है कि SEO कैसे करते हैं, वीडियो अपलोड कैसे करते हैं, कैसे व्यूज लाते हैं, कैसे वीडियो वायरल कराते हैं, सो गाइस मैंने इस प्लेलिस्ट में 30 से 25 वीडियो है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा आप लोग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।